हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द्रोणालय। आज हम लोग कॉमर्स का जो चैप्टर है, जर्नल एंट्री बोलते हैं जिसे, उसको लेकर आज हम आए हैं। उसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको जर्नल एंट्री के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर है। आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही फेमिलियर है आप इस वर्ड से। अगर आप कॉमर्स के नहीं भी है तब भी आपने ज़रूर इस वर्ड को सुना होगा, जर्नल एंट्री। एक्चुअली ये होता क्या है, चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट हो गया, जैसे कि हम पहले बताए कि कॉमर्स इजी है। बहुत लोगों को लगता है कॉमर्स काफ़ी डिफिकल्ट है। रीज़न एक ही है, समझ में नहीं आना। जब तक चीज़ समझ में नहीं आता तब तक बहुत डिफिकल्ट है, और जैसे ही हमें समझ में आता है बहुत आसान है। तो आज का डिस्कशन पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके नीचे वीडियो के नीचे हम लिंक शेयर कर देंगे, आप ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो वीडियो है जर्नल एंट्री का ये और आसान लगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जर्नल। जर्नल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे, इसमें डेबिट और क्रेडिट का क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है डेबिट एंड क्रेडिट का। फिर रोल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल ऑफ ट्रांजेक्शन, किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो टर्म है जर्नल, उसका मतलब क्या होता है, यूज ऑफ द टर्म। वेन एवर अ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन और सिचुएशन ऑकर्स, देयर मस्ट बी अ जर्नल एंट्री फॉर दैट ट्रांजेक्शन और सिचुएशन इज रिकॉर्डेड। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीदा, हमने किसी सामान को खरीदा, या फिर हमने कोई सामान को बेचा, या फिर मान लीजिए कि आज मोबाइल हमने 2005 में खरीदा था और आज हम मोबाइल बेचना चाहते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है प्राइस है, मान लीजिए 10,000 में हमने खरीदा था और आज हम 8,000 में बेच रहे हैं, जो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, हमें लगता है कि वो लॉस है। ठीक है ना, हम जनरल सेंस में खरीद देखें तो हमने 10,000 में खरीदा और 8,000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम 2,000 लॉस हो रहा है, पर नहीं, वो लॉस नहीं है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि कुछ ऐसा सामान होता है जो बहुत ही रेयरली पाया जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए कॉइन्स की बात करें, कुछ कॉइन्स होते हैं जो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, तो उस कॉइन्स को मान लीजिए हमने एक दोस्त से खरीदा 10 रुपये में। अब सामने का एक आदमी वो कह रहा है कि हमें ये कॉइन्स दे दो, हम इसके बदले में तुम्हें 25 रुपये देंगे, तो इसमें देखिएगा आपको डिफरेंस मिला 15 रुपये का। ठीक है ना, तो ये 15 रुपये जो है ये एप्रिसिएशन में कहा जाता है, एप्रिसिएशन। तो ये भी एक तरह का ट्रांजेक्शन ही हुआ। ठीक है ना, ये प्रॉफिट अलग हुआ और ये एप्रिसिएशन अलग हुआ। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे हमने लिए हैं परचेजिंग, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तब हमारा ट्रांजेक्शन होता है, हम खरीदते हैं बेचते हैं। और जैसे कि हम पहले डेबिट और क्रेडिट में डिस्कस कर चुके थे कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पर डेफिनेटली दो होना ही पड़ेगा, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब जब भी हमको ट्रांजेक्शन कर रहे थे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो जैसे कि परचेजिंग होता है तो इसमें भी हमारा डेबिट एंड क्रेडिट इन्वॉल्व रहता है, सेलिंग में भी ये दो टर्म इन्वॉल्व रहता है, जब हम सामान बेचते हैं, इनकम जब होता है, ठीक है, लॉस जब होता है, पेमेंट होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कोई लोन पेमेंट कर रहे हैं बैंक में, या फिर हमने किसी से सामान उधारी में खरीदा तो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रिसीप्ट होता है, कोई चीज़ का दाम बढ़ जाना, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कॉइन्स का, फिर डिक्रीज हो जाना, जैसे मोबाइल का एग्जांपल अभी हमने लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोफॉर्मा और फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल का। तो देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था कि आज का हमारा डिस्कस पॉइंट का पहला पॉइंट था कि डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसा होता है जर्नल में, देखें। तो जरूरी है कि हमारा जो जर्नल एंट्री है उसमें जो भी अकाउंट होता है, ऊपर में हम जनरली बात को ध्यान दीजिएगा, जनरली हम ऊपर में जो अकाउंट है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक्स अकाउंट डेबिट, इसको हम हमेशा ऊपर में डेबिट अकाउंट शो करते हैं और नीचे में हम क्रेडिट अकाउंट शो करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें नीचे में ही क्रेडिट अकाउंट शो करना है, ऊपर में डेबिट अकाउंट शो करना, ऊपर में भी हम क्रेडिट शो कर सकते हैं, नीचे में भी। बस यहाँ पर आपको जब हम आगे चल के देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि जब भी हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक अकाउंट होता है वो डेबिट होता है और दूसरा जो होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, इस तरह के अकाउंट को हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं। सिंगल एंट्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको एक ही ट्रांजेक्शन को एक ही एंट्री, मतलब एक अकाउंट डेबिट हुआ है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रोफॉर्मा है, इस प्रोफॉर्मा में देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसमें हम डेट लिखते हैं, कब का ट्रांजेक्शन है, कब सिचुएशन ऑकर हुआ था, कब हमने ये जो घटना है, या फिर जो हम खरीदारी कहते हैं, बेचते हैं, बेचना कहते हैं, इनकम कहते हैं, लॉस कहते हैं, जो भी है, ये कब हुआ था उसका डेट हम देते हैं लेफ्ट साइड में। फिर जो हुआ,
उसमें हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होगा, एक होगा डेबिट पार्टी और एक होगा क्रेडिट पार्टी, ठीक है। तो डेबिट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे। ये जो एल एफ है, एल एफ का मतलब होता है लेजर फेलो नंबर, मतलब क्या होता है। वैसे तो अभी आपको यहाँ पर चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम कोई चीज़ को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो इसको फिर हम लेजर में भी ट्रांसफर करते हैं। तो पहले क्या होता था कि हैंड वर्क ज्यादा होता था, हाथों का काम ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाना, और एक जर्नल मतलब जो जर्नल का जो बुक होता है वो सिंगल बुक होता है, तो इसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, पर्टिकुलरली उस जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक्स अकाउंट है, तो एक्स अकाउंट का बहुत सारा यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, तो वाई की जगह में जेड आ गया, एम आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, बहुत सारे, पर एक्स का पर्टिकुलरली बहुत सारा। तो हम क्या करते हैं कि सारे एक्स का ट्रांजेक्शन को एक बुक में रखते हैं, उसे हम लेजर कहते हैं, ठीक है। इस लेजर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो लेजर फेलो, जो एल एफ का मतलब होता है लेजर फेलो नंबर, मतलब एक्स अकाउंट को जो हमने जिस लेजर में ट्रांसफर किया उस लेजर का जो नंबर होगा हम यहाँ पर डालेंगे एक्स के बराबर में, और वाई के बराबर में वाई का जो लेजर फेलो नंबर होगा उसको हम डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है, मतलब एक्स का जो अमाउंट होगा हम यहाँ पर लिखेंगे, और क्रेडिट अमाउंट में वाई का अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे। गलती मत कीजिएगा, वाई का अमाउंट यहाँ नहीं आएगा और एक्स का अमाउंट यहाँ नहीं आएगा, एक्स का अमाउंट यहाँ आएगा और वाई का अमाउंट यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि वाई क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, वाई एक्स डेबिट है डेबिट में आएगा, ठीक है। हम नीचे में एक नरेशन मेंशन करते हैं, नरेशन के लिए कोई रूल्स और गाइडलाइंस वैसा नहीं है। नरेशन का मतलब ये होता है, ये जो हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ था, क्या हुआ था, पेमेंट हुआ था, रिसिप्ट हुआ था, इनकम हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है ना, सेलिंग हुआ था या परचेज हुआ था, उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे कि परचेज हुआ तो किससे किसने लिया, सेलिंग हुआ तो किसने किसको बेचा, ठीक है, इनकम हुआ तो कैसे हुआ, लॉस हुआ तो कैसे हुआ, उसी चीज को लेते हैं। यहाँ पर हमने नोट मेंशन किया कि एक्स और वाई जो है, ठीक है ना, ये कोई आदमी का भी नाम हो सकता है, कोई सामान का भी नाम हो सकता है, किसी जगह मतलब कुछ पार्टिकुलर एसेट या फिर लाइबिलिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे मेंशन किया, एक्स एंड वाई इज एनीथिंग और एनी पर्सन इन बिटवीन व्हिच और हुम ट्रांजेक्शन और सिचुएशन ऑकर्स, जिसके वजह से यहाँ पर जर्नल एंट्री आया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक हम आपको आपके लिए एग्जांपल लेकर आए हैं कि जिस जर्नल एंट्री होता है कैसा होता है। देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000 फ्रॉम मिसेस गोविंद ट्रेडर्स ऑन December 24, 2005। यहाँ पर किसने खरीदा है वो नहीं बताया, कहाँ से खरीदा है ये बताया, तो किसने खरीदा है इसके लिए आप खुद को मान लीजिए कि आपने खरीदा है ये सामान, ठीक है ना। मैंने खरीदा है ये सामान, मैंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, कितने का, 30,000 में, 30,000 का सामान खरीदा है, किसमें, क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, उधारी में खरीदा है, किससे, फ्रॉम मिसेस गोविंद ट्रेडर्स, ठीक है। और यहाँ पर एक डेट मेंशन है, ठीक है। तो देखिए ये एक हो गया ट्रांजेक्शन या सिचुएशन, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया आपका जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट हो गया, डेट हो गया, पार्टिकुलर्स, लेजर फेलो नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स ओनली टू अकाउंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ दो ही अकाउंट इन्वॉल्व है, एक क्या हो रहा है परचेज अकाउंट, परचेज क्यों हो रहा है क्योंकि हमने परचेज किया है, बाई किया है, खरीदा है, ठीक है ना। और एक क्या हो रहा है गोविंद ट्रेडर्स, क्यों, क्योंकि हमने उधारी में खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा, अगर कैश में खरीदते तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट मेंशन करते हैं। यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक क्या हो रहा है परचेज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है जिससे हमने खरीद रहा है उसका नाम यहाँ लिखे हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसको पैसा नहीं दे देना बाकी है, मतलब एक तो हमारा एसेट हो रहा है, एसेट का मतलब ये हो रहा है कि ये जो सामान जो हम खरीद रहे हैं ये हमारा एक संपत्ति है, ठीक है। साथ ही साथ मिसर्स गोविंद जो है वो क्या है हमारा लायबिलिटी है, उसे हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल एज फॉलो, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, ऊपर में जो अकाउंट होता है जैसे कि हमने बताया कि जनरली ऊपर में जो अकाउंट होता है वो क्या होता है डेबिट होता है, ठीक है। तो कितना का डेबिट होगा, कितना सामान खरीदा हमने, 30,000, पूरा पूरी 30,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो किससे खरीदा हमने, गोविंद ट्रेडर्स, गोविंद ट्रेडर के नाम पे कितना आ जाएगा 30,000, क्यों, क्योंकि हमें गोविंद ट्रेडर को देना है, ठीक है। तो जैसे कि नीचे में एक नरेशन आता है, हमने ऊपर में दिखाया था कि नरेशन लिखा जाता है इस तरह से, तो देखिए जर्नल के नीचे हमने नरेशन लिखा है क्या कि परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स, ये नरेशन ही लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिसेस गोविंद मिसर्स गोविंद ट्रेडर्स, ओके ऑन क्रेडिट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं परचेज मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम मिसर्स गोविंद ट्रेडर्स ऑन December 24, 2005, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है तो आप पूरा का पूरा ये जो एंट्री है, ये जो नरेशन है, इस नरेशन को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, गलती नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत लोगों को लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ पर मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो गलती हो जाएगा, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं जिसके वजह से उसको लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल है, जर्नल मुझसे नहीं होगा,
ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप उसको आसानी से समझे। तो चलिए आपको और एक तरह का मैं जर्नल एंट्री दिखाता हूँ, इसको कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन वन। ओके, एंट्री मेड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे कि आप हम कंपेयर करें प्रीवियस एंट्री के साथ, यहाँ पर क्या हुआ था कि गुड्स परचेज किया इतने में और किससे खरीदा, मिसेस गोविंद में, इसमें सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन मेंटेन हो रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या बताया है कि एक से ज्यादा एंट्री होगा। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें जैसे कि डेबिट में परचेस की जगह पे और भी कुछ आ सकता था या फिर गोविंद के साथ कुछ भी और आ सकता था, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फॉर ₹25,000 ऑफिस फर्नीचर इज परचेस्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर ऑन जुलाई 4, 2005। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आपको बता दिया है कि क्या हुआ है कि ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, कितने का, 25,000 का, कहाँ से खरीदा है, मॉडर्न फर्नीचर से। ठीक है, अब बता रहा है कि एंड ₹5,000 इज पेड बाय कैश इमीडिएटली। क्या हुआ कि कैश पेड किया है, कितना, ओनली 5,000, प्राइस कितना था 25,000, इसमें से कितना किया, 5,000 इज पेड कैश इमीडिएटली। अब यहाँ पर यह भी बता दिया है कि एंड बैलेंस ऑफ ₹20,000 इज स्टिल पेबल। कहीं कहीं आपको जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे जर्नल एंट्री जब करने जाएंगे, तो यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि 20,000 पेबल लिखा, मतलब इस लाइन को मेंशन नहीं होता। हमें कॉमन सेंस लगा के समझना है कि अगर 5,000 रुपीज पेड किया है कैश में, तो डेफिनेट 20,000 पेबल है, मतलब उसको देना है। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए, इट इंक्रीजेस फर्नीचर। ठीक है, इससे ट्रांजेक्शन में हमारा जो फर्नीचर है वो एसेट हो रहा है इंक्रीज, जैसे कि आप डेबिट और क्रेडिट के वीडियो में देखा था कि एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है। ठीक है ना, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, यहाँ पे 5,000 इज पेड बाय कैश, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ कैश। कैश क्या, हमारा एक एसेट है, संपत्ति है, वो घट रहा है। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में हम इसको कैसे डील करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000 स्टिल पेएबल। तो ये 20,000 क्या है, हमारा देना है, बाकी है, मतलब लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी को क्या करना है, हमारे डेबिट वीडियो में, डेबिट क्रेडिट वीडियो में अच्छे से मेंशन किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, द एंट्री मेड इन जर्नल कैसे होगा, एंट्री देख लीजिए, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा प्रॉपर्टी या संपत्ति या एसेट बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कितना डेबिट होगा, फर्नीचर कितने का खरीदा है हमने, 25,000 रुपीज, तो 25,000 डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में कैश लिखे, नीचे कैश लिखे, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम ऊपर में देख रहे हैं कैश लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, टू कैश अकाउंट मतलब ये होता है क्रेडिट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि सर ऊपर तो डेबिट लिखा है, नीचे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा है, तो ठीक है, टू का मतलब ही होता है क्रेडिट, और यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये डेबिट, और यहाँ पर हम डेबिट मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर, इट मींस इट इज क्रेडिटेड। ओके, तो टू कैश अकाउंट, कैश कितना कमा है हमारा, कैश कितना घटा है, 5,000। ठीक है ना, 5,000 कैश अपना घट गया है, सो टू कैश अकाउंट में 5,000 आ गया कैश। अब लाइबिलिटी बढ़ रहा है, देना हमें बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ बाय ₹20,000, तो यहाँ पर लाइबिलिटी आ गया 20,000। लाइबिलिटी मतलब किसको देना है, देना है हमें मॉडर्न फर्नीचर को, मॉडर्न फर्नीचर से ना हमें फर्नीचर खरीदे। अब तो हमारा ये हो गया जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब इसका नरेशन कैसे मेंटेन करेंगे, नरेशन क्या है, क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा, कैश पेड किया और लाइबिलिटी बढ़ गया, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड कैश पेड एंड बैलेंस इज स्टिल पेएबल। तो यहाँ पर आपका जर्नल जैसे कि नरेशन मेंटेन किया, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स, ये सिंपल है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स बाय पेइंग कैश ऑफ ₹5,000 एंड रिमेनिंग इज पेएबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि डेबिट साइड में दो एंट्री है, क्रेडिट में सिंगल एंट्री है। सपोज मान लीजिए कैश हमने पे किया, सपोज 25,000, ठीक है ना, कैश पे किया है हमने 25,000 और खरीदा हमने दो सामान, मान लीजिए 20,000 का हमने चेयर खरीदा और 5,000 का मान लीजिए हमने गुड्स खरीदा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुड्स जब खरीदा है तो हमारा परचेज हुआ। ठीक है, तो परचेज अकाउंट में हमारा 5,000 आएगा और हमने मान लीजिए फर्नीचर खरीदा कितने का, 20,000 में, तो गुड्स खरीदा 5,000 डेबिट, फिर फर्नीचर खरीदा 20,000 डेबिट, अब पेमेंट किया है हमने 25,000, तो यहाँ पर सिंगल एंट्री आता, टू कैश अकाउंट 25,000, तो डेबिट में हमारा दो एंट्री हो जाता। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी नया चाहिए तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।